दिल्ली NCR में मौसम बदल गया है। बुधवार रात से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद 4 फरवरी को भी हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम में यह बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी से आसमान साफ रहेगा और धूप भी खिलेगी। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 11.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं हवा में नमी का स्तर 36 से 95% तक रहा। दोपहर तक ज्यादातर जगहों पर धूप रही, लेकिन इसके बाद बादल छाने लगे। सुबह कोहरे की वजह से सफदरजंग में दृश्यता का स्तर 400 मीटर तक रहा। आपको बता दें कि फरवरी के पहले ही दिन मंगलवार को दिल्ली में इस मौसम का सबसे घना कोहरा देखने को मिला था। वहीं दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। नोएडा में आज अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। इन सभी जगहों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होगी। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। वहीं दिल्ली में आज AQI बहुत खराब श्रेणी में है। सफर के अनुसार आज दिल्ली का AQI 342 है। नोएडा में AQI 202 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम का AQI 173 में है, जो कि मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।